लाडली बहना योजना के आवेदन भरने और ई केवाईसी का काम घर घर किया शुरू। नगरपालिका ने रामबाड़ सहित सभी वार्डों में प्रभारी किए नियुक्त। दरअसल लाडली बहना योजना के चलते नगरपालिका में बढ़ रही महिलाओं की भीड़ को देखते हुए नगर के प्रत्येक वार्ड में लाडली बहना योजना के आवेदन भरने और ई केवाईसी का काम वार्ड प्रभारियों शिक्षकों द्वारा सभी वार्डों में घर घर जाकर किया जा रहा है, जिससे नगर की सभी महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा सके। वहीं दस्तावेजों में त्रुटियां होने की वजह से महिलाओं को समस्या आ रही है। नगरपालिका सीएमओ सुरेखा जाटव ने बताया कि आधार कार्ड, समग्र आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने की वजह से महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है और 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है। उसके बाद दावे आपत्ति भी ली जाएगी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा। उसके बाद आवेदन भी निरस्त किए जाएंगे। लाडली बहना योजना आवेदन के लिए महिलाएं कार्यालय भी आ रही थी, तो हमने उसमें वार्ड वार्ड शिविर लगाए गए थे। इसके बाद हमने अभी 25 ही वार्ड में 25 हमारे प्रभारी नियुक्त किए हैं और उनके साथ एक एक टीचर को भी लगाया है और सभी को मोबाइल एप्लीकेशन से जो डायरेक्ट आवेदन हो रहा है वो सिखा दिए गए हैं। इसी के साथ ई केवाईसी भी हम ऑनलाइन वहीं वार्ड में डोर टू डोर जाकर ही करवा रहे हैं। इसमें कई ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि महिलाओं की जैसे फोटोज नहीं आ रही हैं, तो उनका जो आधार कार्ड है वो अपडेट नहीं है, इसी के साथ मोबाइल नंबर समग्र आईडी में नहीं है और डीबीटी बैंक में उनका खाते में उनका मोबाइल नंबर नहीं है, तो इन सभी को ई केवाईसी वो जल्दी से जल्दी अपडेट कर लें, जिससे उनके आवेदन बहुत तेजी से हो जाएंगे। इसी के साथ जब 30 अप्रैल तक ये सारे आवेदन ले लिए जाएंगे, इसका सूचना भी दावे आपत्ति की प्रकाशित होनी है पेपर में और सार्वजनिक उनकी सभी की लिस्ट की जाएगी जो अपने आप को इसमें पात्रता के तौर पे उन्होंने आवेदन किया है, और उन पर जो भी दावे आपत्ति आएंगे उसको देखते हुए निरस्त भी किए जाएंगे फॉर्म। उसके बाद फाइनल सूची को लाभ दिया जाएगा।